रहने दो। हाँ, एक छोटा सा तोड़ा है तूने। छोटा कहाँ है, पका हुआ है। तू मेरे फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शादी अपनी नाइगर। तो मैं नहा धो के थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ। तो अभी दानियाल जा रहा है ट्यूशन के लिए, तो उसको तैयार करते हैं, उसके बाद उनको ट्यूशन भेजते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो खाना बनने स्टार्ट होने जा रहा है, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं आपके साथ घर में जो बनता है सारी हमारी बेसिक से लेके जो भी रेसिपीज बनती है, चाहे वो चिकन हो, सब्जी हो, सब कुछ शेयर करूं, क्योंकि हर जगह का खाना जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो कल बना था पालक चिकन और यकीन माने इतना जबरदस्त और इतना अच्छा टेस्ट था। सबसे बड़ी चीज थी हेल्दी थी और बहुत ही क्विकली बन गया था और बहुत ही टेस्टी था। तो मैं इस क्लिप के बाद वो शेयर करूंगी, फिर उसके बाद जो आज बन रहा है वो दिखाऊंगी। तो आज भी दो तीन चीजें बन रही है, मैं आपको दिखाऊंगी और बताइएगा आप कैसा लग रहा है कि मैं आपके साथ और भी आगे रेसिपी शेयर करूं कि ना करूं, जैसा होगा आप बताइएगा। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। तो उसके बाद जो आज बन रहा है फिर वो मैं आपको दिखा दूं। चलिए चलते हैं। ओके, तो आप ग्रेवी बनेगी कि बन रहा है पनीर। तो ये पैन ले लिया है, इसमें डालेंगी सब कुछ। तो बच्चों को पसंद होता है पनीर, आज पहले थोड़ा चिकन बना लेंगे, फिर हर चीज होना चाहिए, रोज चिकन चिकन नहीं। तो आज थोड़ा वेज का है, तो एक तरफ पनीर बन गया और साथ में आज क्या बनेगा, पत्ता गोभी की सब्जी। तो इसको रख देते हैं क्योंकि फिर इसको पीसना होगा, ठंडा होने में भी टाइम लगता है, तो इसको भी हम लोग बॉइल कर लेंगे। और एक तरफ भाभी ऐसे ही बना रही है मिर्ची के अचार टाइप का बनाएंगी, ताकि वो खाने के साथ के लिए अगर कुछ नहीं भी होता है इस नाश्ते में, ये पराठे आटे के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने ये वाली बड़ी वाली मिर्ची लेके आए, मुझे इसके पकौड़े भी बहुत पसंद है। तो इसको इस तरह से काट लेंगे। हम लोगों ने कढ़ाई में लिया है कड़वा तेल, तो ये हो रहा है मिर्ची का जो अचार वाला बनाने के लिए, के लिए सब गरम करेंगे। और एक तरफ ही पत्ता गोभी बनने के लिए, पत्ते गोभी को भाभी ने काट के ऐसे काट लिया है, अच्छा था पानी में भिगो के रख दिया है। और ये हमारी सारी मिर्ची जो है कट के तैयार है, इतना अच्छा इसका टेस्ट होता है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये देखिए, ये जो जितना हम लोगों ने पनीर के लिए ग्रेवी बनाने के लिए किया था उसको बॉयल, तो ये प्याज टमाटर और काजू जो हमारा है वो बॉयल हो गया, इसको ठंडा होने पे इसको हम पीस लेंगे। दूसरी तरफ बाकी चीज़ों की भी तैयारी चल रही है। एक तरफ हम लोगों ने सब्जी के लिए और प्लस एक तरफ ये मिर्ची के लिए माजी चढ़ा दिया है। तो मिर्चा डाल के तेल में उसको ढक दिया है ताकि वो थोड़ा सा हो जाएगा मिलाए, उसके बाद से मसाला डालेंगे। और एक तरफ ये कढ़ाई इसको बर्तन चढ़ा दिया हम लोगों ने, इसमें पत्ता गोभी की सब्जी बनेगी। तो एक साथ ऑलमोस्ट सब कुछ चल रहा है धीमे धीमे। ओके, तो पत्ता गोभी बनने के लिए पहले हम लोगों ने पत्ता गोभी इसको ये जाएंगे सब मसाले एक साथ तेल में। ये है लहसुन, लहसुन अदरक, हल्दी, नमक, मिर्चा, धनिया और टमाटर। और पहले तेल में जाएगा थोड़ा सा मेथी दाना, जैसे मेथी दाना होगा, एंड देन उसके बाद ये सारे मसाले चले जाएंगे। और ये सारा मसाला पानी हल्का सा डाल के मैंने डाल दिया है। अब इसको ऐसे ही भूनने के लिए रख देंगे जब तक, अगर तक खूब अच्छे से मसाला भून के तेल अलग हो जाएगा मसाले से, उसके बाद हम लोग इसको पत्ता गोभी डालेंगे, दोनों छाप देंगे। सो एक तरफ ये पत्ता गोभी का मसाला
थोड़ा सा बन रहा है। ये हमारी मिर्चा चढ़ी हुई है, ये हमारा पनीर की जो ग्रेवी के लिए जो हम लोगों ने बनाया है वो ठंडा हो रहा है। तब तक हम लोग लेते हैं क्विक सा ब्रेक। तुम भाभी रेसिपी बता रही है अब क्या? देखो ये मिर्चा थोड़ा लाल हो गया, 5 मिनट बना धीमी आंच पे करने पे। फिर ये है इसी कटाई, ये करेले का मसाला, ये जीरा पाउडर है और ये नमक है। ओके ये सब डाल देंगे हम। डालिए आप। ये देखो ये ऐसा कलर आएगा ऐसा आएगा 5 मिनट उसके बाद सारे मसाले डाल के और थोड़ी देर उसको चला लेंगे। एक तरफ आपने बम्बई में खाना बनवा रही है, एक तरफ यहाँ बना रही है। आलू मटर की सब्जी बन रही है, हम लोग का मुंबई वाला घर। परवल की सब्जी बन रही है, सब्जी बना रहे हैं। आलू मटर कैसे भाई आएंगे आपको? चालन भाभी कह रही बनाएंगे आपका। कुछ देखो आप ही ठीक है, हम बताते जाएंगे तुम बनाते जाएंगे ठीक है ना? अरे वो भी तो हम ही ने सिखाया है। क्या कर रहे हो? ये देखिए ये पूरे घर में ऐसे ही अमरूद तोड़े थे इन्होंने, बहुत शौक है इनको, खाता नहीं है पर हाँ खड़े होकर भाभी को तुड़वाते रहते हैं और उनकी पत्ती से खेल रहा है। मायू क्या है अमरूद? तुम बोलो अमरूद। इनके जो हाफिज जी हैं वो चले गए हैं, दानी के हाफिज जी गए हैं गाँव थोड़े 2 हफ्ते की छुट्टी पे, तो हमारे बच्चे बहुत खुश हैं। लेकिन मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, बस पढ़ना ना पड़े हैं। अब पिज्जा खा के बैठा हुआ है अभी है। सो अभी वो मैं बैठे तक सब मसाला साला भुन रहा है और फैसल भाई को अभी मुंबई में जैसे कि आपको पता है, तो भाभी उनको फोन पे, फैसल भाई को कुकिंग पसंद है, फरहान को अच्छा कुकिंग नहीं पसंद है, वो बहुत अवॉइड करते हैं, मतलब बहुत ही इमरजेंसी होगी तो वो कुछ पका लेंगे, अदरवाइज उनका जोमेटो और स्विगी वाला उनका फेवरेट ऑप्शन है। पर फैसल भाई कुकिंग कर लेते हैं, उनको पसंद ही है, तो फैसल भाई रोज कुछ नया बनाते हैं, भाभी उनको फोन पर बताती रहती है ऐसे ऐसे ऐसे, अनवन वो बन के तैयार हो जाता है। और हम लोग प्लान कर रहे हैं फैसल भाई के आने के बाद उनका कुकिंग चैनल बना देंगे यूट्यूब पे, कैसा आइडिया जरूर बताइएगा। तो अभी बन रहा है खाना, तो बच्चों के लिए बन रहा है पनीर, हम लोग के लिए बन रही है सब्जी गोभी, पत्ता गोभी और आलू की, एंड मिर्चा बन रहा है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये जो बड़े वाले मिर्चे हैं ना, मुझे मैगी में भी बहुत पसंद है और अंडे में ऑमलेट में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आज ले आई थी इसीलिए। तो आपको क्या पसंद है खाने में? आपको वेज प्रेफर करते हैं नॉन वेज जरूर बताइएगा। मुझे तो मतलब कभी कभी बहुत दिल करता है नॉन वेज खाने का, बट कभी कभी ऐसा होता है कि थक जाओ नॉन वेज खाओगे, तो वेज एक ऐसा है ना कंफर्ट फूड है कि वो चाहिए ही चाहिए होता है। तो आज इसीलिए बन रहा है कि 2 दिन से चिकन खा के थक गए, तो इसलिए आज ये था कि पनीर वनीर सब्जी कुछ बनाते हैं, खूब अच्छे से खाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और आपको कैसा लगा? आपको पालक पनीर पालक चिकन पहली बार बनाया था, पर सबको घर में बहुत अच्छा लगा वो बहुत, और शिवा अप्पी ने आइडिया दिया था, शिवा अप्पी की रेसिपी का थैंक यू शिवा अप्पी, बहुत ही टेस्टी बना था सच में। एंड ये देखिए मतलब मसाला डालने के बस और बस 2 से 3 मिनट चलाने के बाद ये हमारी मिर्चें तैयार हो गई हैं। डालनी है तो एक डाल सकते हो। अरे इतना उसको अभी ठंडा हुआ है, अभी 10 छोड़ दो, छोड़ दो आज मेरा मिर्ची तो बन गई है, एक चीज हो गई, एक चीज हो रही है। ये मसाला देखिए बन गया है, तेल छोड़ दिया है मसाले ने, अब इसमें पड़ेगा ये हमारा पत्ता गोभी। खाना पक रहा जाएगा, तो अभी जब इसका थोड़ा सा भुनने के बाद ये पानी छूटेगा, उसके बाद जब पानी सूख जाएगा तब उसके बाद आलू पड़ता है उसमें थोड़ा 5-2-3 मिनट। सो
तो आप देख सकते हैं जो पत्ता गोभी उसने पानी यानी अपना छोड़ दिया है और आज थोड़ी सी गल भी गई। इस टाइम पे हम लोग आलू डाल देंगे, आलू को थोड़ा चला देंगे। एक हाथ से ब्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, मुझे लगता है ट्राईपॉड निकाल लेना चाहिए। बच्चे मेरा सब ट्राईपॉड इधर से उधर फेंक देते हैं एंड अब हम इसको कर देंगे ढक के, अब इसको कर देंगे बंद थीम आज पे ताकि आलू जो हमारा है वो गल जाए। थोड़ा सा इसमें जो कलर पनीर जो है आपसे वो निकले नहीं कहा पता नहीं वही रखा होगा तो इसमें हम लोग थोड़ा सा कलर वावे ने मिला दे ताकि वो रंगीन पनीर बन, रंगीन पनीर नहीं शाही भाभी के पनीर जो है उसके रंगीन मिजाज हो जाएंगे। भाभी को बुरा लग गया होंगे पनीर का हमने कह दिया, बच्चे खा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारी गोभी और आलू की सब्जी रेडी हो गई है, बस हम इसमें डाल देंगे धनिया। दिखने में बहुत ही खूबसूरत और खाने में भी बहुत अच्छी, सुबह ये नाश्ते में बहुत अच्छी लगती है, कल सुबह नाश्ते में बनाया जाएगा। ठीक है, अब चावल के साथ अच्छी लगती है सब्जी, नाश्ते में अच्छी लगती है दोनों वो ही। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा अब पनीर के लिए हमारा जो हम लोगों ने टमाटर और प्याज का बॉईल किया था उसको पीस लिया है और काजू, और ये हम लोगों ने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। स्टार्ट करें ना, तेल गरम हो गया तो इसलिए हम लोगों ने लिया है। खाने में कोशिश करते हैं कि हम लोग रिफाइंड ऑयल कम यूज करें और कड़वा तेल ज्यादा इस्तेमाल करें, रिफाइंड यूज करते हैं सब मिक्स करती है सब कुछ खाए। हाँ, ये तो गाँव से आया है पापा के, इसमें हम लोग डाल रहे हैं कौन कौन से मसाले वाले, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जरा सी हल्दी, जरा सा पिसा धनिया, कसूरी मेथी और ये किचन किंग मसाला। अच्छा, अब हम डाल देंगे तेल में प्यूरी और सारे मसाले एक साथ, फिर से हम इसको एज यूजुअल लगा रख देंगे कि अच्छे से जब बिल्कुल भुन जाएगा कोई भी मसाला अलग तेल अलग हो जाएगा, उसके बाद हम पानी भी डालेंगे। और ये एंड बन रही है दाल, ये चावल भिगो दिए, चावल भिगोने में भूल गए थे तो हम लोग के चावल है वो राइस कुकर में बनता है, बहुत अच्छा चावल बनता है। दोनों बच्चों का हेल्थ मुझे लगा ये मुझे मिला है, पर ये मुझे नहीं मिला, ये क्या हो रहा है। हाय फेरी, सब कहते हैं फेरी गायब है व्लॉग में, फेरी बिजी रहती है, फेरी बहुत पढ़ाई कर रही है और फिर एनुअल डे फंक्शन में भी है और फिर क्लास में कंप्लेन भी आती है, तो फेरी का जो आई कार्ड है, फेरी इतनी बातें कर रही थी कि वो उनकी प्रिंसिपल ऑफिस चला गया, सिस्टर के पास चला गया है, वो कैसे वापस आएगा, देखेंगे फिर आएगा। सिस्टर क्या रहेंगी, लड़की गंदी की अच्छी है। ओके, पूरा चौक चौक कर दिया, इसके मुंह में भी चौक लगी हुई है। आपी को प्यार करो, पहले आपी को पहले प्यार करो, जल्दी से प्यार करो। आपी को कॉपी खोल दीजिए, हम लोग खुद ही नहीं खोल दीजिए तो खुलाना है। दोनों का हमें से खुलाना है, पहले प्लीज मामा खोल दी खुद ही। तो ये देखिए मसाला खूब अच्छे से हो गया, अब हम इसमें डालेंगे पनीर। दूध डालेंगे भाभी,
सो इसी तरह खाना बन के हो गया था रेडी। ये देखिए जो पनीर हमने बनाया था और आलू और गोभी की सब्ज़ी, ये है वो पालक की दाल थी ये, और ये थी लाल मसूर की दाल, फरहान की फेवरेट है। और ये जो मिर्ची का अचार भाभी ने बनाया था, सब कुछ बहुत अच्छा बनाया था। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये व्लॉग और कैसा लगा आपको हमारा ये डिनर। तब तक मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।